न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। सीधी जिले में मुख्यमंत्री गोंड माइक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत गोत्रा बैराज सहित 470 करोड़ के विकास एवं निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को धोहनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महखोर हिनौता में मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गोंड माइक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत गोत्रा बैराज सहित 470 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने मड़वास को तहसील और थाना का दर्जा देने का जहां ऐलान किया, वहीं कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। बता दें कि सीधी सिंगरौली जिले में प्रस्तावित गोंड सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गोपद नदी पर दो बैराज, सोनगढ़ बैराज एवं गोत्रा बैराज दो पंप हाउस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सीधी एवं सिंगरौली जिले के कुल 130 ग्रामों की कुल 33,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना की कुल अनुबंधित लागत 745 करोड़ रुपये है। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 2025 है। गोत्रा बैराज का निर्माण सीधी जिले में गोपद नदी पर ग्राम हरदी के निकट किया जाना है, जिसकी लागत रुपए 387 करोड़ रुपए है। बैराज की लंबाई 3180 मीटर, ऊंचाई 16 मीटर। उक्त बैराज से 107 ग्रामों सीधी के 75 गांव एवं सिंगरौली के 32 गांव की कुल 19615 हेक्टेयर कृषि भूमि में लगभग 55,000 किसानों को आधुनिक सिंचाई पद्धति फव्वारा सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कृषक अपनी भूमि पर दोहरी फसल लेकर उत्पादन में वृद्धि कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे और जिले का सिंचाई प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस परियोजना से 19 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं नल जल योजना के तहत 11.40 मिलियन घन मीटर पीने का पानी भी आसपास के ग्रामों को उपलब्ध होगा। इन ग्रामों में मुख्य रूप से गोत्रा, हडवार, हिनौता, जोवा, जुनार, मडवास, महखोर, मझगवा, कमछड़, पैपखरा, कोलगढ़ शामिल है। इसके साथ 58.42 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री 432.40 लाख रुपए लागत के सिरौला में जोवा रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग, 609.52 लाख रुपए लागत के निबूहा कोठार से जमुआ नंबर 2 पहुंच मार्ग, 272.90 लाख रुपए लागत के सुलखान से सिलवार से गिजवार व्योया बडेरा टोला पहुंच मार्ग, 284.1 लाख रुपए लागत के मुख्य मार्ग से ताल विद्यालय तक पहुंच मार्ग, 277.5 लाख रुपए लागत के मुख्य मार्ग ठोगा मेरहा टोला जमुआ नंबर 2 पहुंच मार्ग, 125 लाख रुपए लागत के बिलहा बांध हेतु नहर निर्माण पार्ट 4, 306.8 लाख रुपए लागत के ग्राम उमरिया ब्लॉक कुसमी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में 1G एवं 1H टाइप आवास गृह का निर्माण, 306.8 लाख रुपए लागत के ग्राम पतुलखी ब्लॉक सिहावल में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में 1G एवं 1H टाइप आवास गृह निर्माण, 426.98 लाख रुपए लागत के शासकीय महाविद्यालय सिहावल के 6 अध्ययन कक्षों का निर्माण, 402.78 लाख रुपए लागत के अमहवा से सतनरा पहुँच मार्ग, 455.83 लाख रुपए लागत के बढ़ौरा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 बनिया टोला से करगिल पहुंच मार्ग, 194.96 लाख रुपए लागत के करौदिया उत्तर टोला CMIT कॉलेज से करौदिया दक्षिण टोला मोरिसन स्कूल पहुंच मार्ग, 294.39 लाख रुपए लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग 39 उपनी से उत्तर टोला पहुंच मार्ग, 306.8 लाख रुपए लागत के ग्राम गांधी ग्राम ब्लॉक सीधी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में 1G एवं 1H निर्माण एवं 48.68 लाख रुपए लागत के आजीविका भवन निर्माण रघुनाथपुर का भूमि पूजन किया। पीने का पानी की व्यवस्था मेरी बहनों से मैं भी कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत माननीय विधायक कुंवर सिंह टेका, आप सबकी ओर से कुछ मांगों को माननीय विधायक जी ने रखा और आइए स्वागत उद्बोधन के क्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए बंधुगण
और सभी प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी बंधु, आज पुनः हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ, जो कि समय की बाध्यता है और मुझे बस 2 मिनट का समय मिला है। मैं इस 2 मिनट में ये सोच रही हूँ कि क्या कहूँ। धन्यवाद दूँ। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज MP पर। धन्यवाद।